नमस्कार, मैं हूं दीपक शास्त्री और आज के वीडियो में जिन लड़के या लड़कियों की शादी नहीं हो पा रही है तो होलिका दहन की रात्रि का एक ऐसा चमत्कारी प्रयोग बताने वाला हूं जो जरूर आजमा करके देखिए। किसी भी कारण से यदि आपकी मैरिज में लगातार डिले चल रहा है, क्योंकि जहां तक मैंने मेरे अनुभव में पाया है, मैंने मेरी रिसर्च में पाया है कि लगातार यदि आपकी मैरिज की बात चलती है लेकिन वो चलने तक ही सीमित रह जाती है, बात सफलता तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसमें मुख्य रूप से कारण बनता है कहीं ना कहीं शनि का नेगेटिव प्रभाव आपकी कुंडली में होना, राहु का नेगेटिव प्रभाव आपकी कुंडली में होना। तो आज के वीडियो में एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताऊंगा जल्दी से जल्दी शादी होने के लिए, जो यदि होलिका दहन की रात्रि में इस उपाय को आप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिविटी आपकी कुंडली में बनी हुई है जो मैरिज सुख आपको नहीं प्राप्त होने देती है, लगातार विवाह में विलंब होता रहता है, शादी नहीं हो पा रही है, जरूर आजमा करके देखना। ये शास्त्र सम्मत और प्रमाणिक उपाय है, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। जो मैं बता रहा हूं बहुत आसान सा उपाय है, इजीली आप कर पाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि उपाय करने में आपको किसी तरीके से कोई दिक्कतें होगी। तो जैसे कि साल 2022 में 17 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, ठीक है। तो होलिका दहन जब किया जाएगा तो होलिका दहन की जो अग्नि है उसमें आपको इस प्रयोग को करना है। करना क्या है, आप दिन में इस चीज को करके रख लीजिएगा। एक नारियल का गिट ले लेना आप, जो जटा वाला नारियल होता है उसके अंदर से जो गोला निकलता है वो ले लीजिए। एक सुपारी ले लें, थोड़े काले तिल ले लें, थोड़े उड़द ले लें, इनकी थोड़ी थोड़ी मात्रा ले लें आप। इन चारों चीजों पर गंगा जल का छींटा लगा करके अपने घर के पूजा स्थान में रख करके अपने घर के जो पितृ देव हैं, आपके जो भी इष्ट देव हैं, उनसे प्रार्थना करें कि मेरे बच्चे के विवाह में जो विलंब आ रहा है, जो बाधाएं आ रही हैं, प्रभु आप इसे दूर करें। मेरी बच्ची के जीवन में लगातार मैरिज होने में जो डिले चल रहा है, मैरिज नहीं हो पा रही है, विवाह में जो बाधाएं आ रही है, आप इसे दूर करिए। ऐसी विनम्र प्रार्थना करके इन चारों चीजों को ना आप किसी चीज में या तो फोल्ड कर लीजिए कोई पेपर वगैरह में, क्योंकि आप इस प्रयोग को करेंगे उस समय कोई टोकना नहीं चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कहना चाहिए। क्योंकि लड़के तो वहां पर करने के लिए चले जाएंगे लेकिन लड़कियां होलिका दहन जब होता है तो वहां पर नहीं जाती हैं। ऐसी स्थिति में परिवार का कोई भी सदस्य सामग्री को ले सकता है। तो इन चारों चीजों को लेकर के क्लॉक वाइज, यदि आपके बच्चे की शादी नहीं है तो क्लॉक वाइज 7 बार वार लें, बेटी की शादी नहीं हो रही तो उसके ऊपर 7 बार वार करके घर का कोई भी पुरुष सदस्य उस अग्नि में जाकर के उसको समर्पित करें और मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। यह बहुत ही चमत्कारी प्रयोग होता है। होली की रात्रि में यदि इस प्रयोग को करते हैं तो राहु शनि से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है तो निश्चित रूप से अवश्य दूर हो जाता है। और जहां तक मैरिज में डिले होता है तो यह सिर्फ होता ही राहु और शनि की वजह से है। तो यह होली की रात्रि है, दीपावली की रात्रि है, इसका बहुत बड़ा शास्त्रों में वर्णन है, महत्व है। इसका जो महत्व है वो साधारण लोग तो नहीं समझते हैं, बड़े बड़े योगी लोग, साधक लोग समझते हैं और इन रात्रियों में वो अलौकिक दुर्लभ शक्तियां अर्जित करते हैं। लेकिन एक साधारण व्यक्ति के लिए तो सिर्फ इतना ही है कि साधारणतः लगातार उसके जीवन में कोई समस्याएं चल रही है तो छोटे छोटे प्रयोग करके वो अवश्य लाभान्वित हो सकता है। तो आपके जीवन में इस उपाय को जरूर ट्राई करिएगा। मैरिज से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं हैं, यदि मान के चलिए कि शादी हो गई है, पति पत्नी के बीच ज्यादा विवादित स्थितियां रहता है या झगड़ा रहता है, तो उस कंडीशन में भी दोनों के ऊपर वार करके इसी प्रकार से सामग्री को आप होलिका दहन होता है उस अग्नि में समर्पित करके अपने आगामी जीवन की सुख समृद्धि और शांति के लिए कामना कर सकते हैं। यह बहुत ही इफेक्टिव प्रयोग माना जाता है। ध्यान रहे, आपका बच्चा या बच्ची घर से दूर रहता है तो फिर उस कंडीशन में क्या करें, तो आप बच्चा या बच्ची की कोई भी फोटो हो उसके ऊपर इन चारों चीजों को लेकर के क्लॉकवाइज 7 बार वार करके घर का कोई भी पुरुष सदस्य जाकर के होलिका दहन की जो अग्नि होती है उसमें समर्पित करके अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करें। ये एक ही रात्रि का प्रयोग है जल्दी मैरिज करवाने के लिए। जैसे आप इसको करेंगे तो कुछ समय में देखेंगे आपके सामने अच्छे रिश्ते आने लग जाएंगे और भगवत कृपा से शनि राहु का जैसे ही नेगेटिव प्रभाव शांत होगा तुरंत मैरिज के लिए संयोग बन जाएगा। तो ये बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। जिन लड़के या लड़कियों की शादी नहीं हो रही है इस उपाय को जरूर करें। माता पिता भी अपने बच्चों के लिए ये उपाय कर सकते हैं। ओनली एक ही रात्रि करना है, होलिका दहन की रात्रि में
किया गया है, ये जल्दी से जल्दी मैरिज होने का एक तरीके से चमत्कारी उपाय माना जाता है, चमत्कारी प्रयोग माना जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस उपाय को करके आप अवश्य लाभान्वित होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। पहले बार यदि मेरे YouTube चैनल पर आए हैं और आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर ज्योतिष गुरुजी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां पर एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से सटीक जानकारियां लेकर के आपके समक्ष मैं हमेशा उपस्थित रहता हूं। देखते रहें आप हमारा ज्योतिष गुरुजी YouTube चैनल।